कि आज जो हमारी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दे दी और उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर लिया। हमारा कहना यह था कि जब तक हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है उस पर ट्रायल कोर्ट, जब तक हाई कोर्ट फैसला ना करे, ट्रायल कोर्ट अपना एडवर्स ऑर्डर अनाउंस ना करे। वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व ये फरमाया कि चूँकि लॉ में लिखा हुआ है जब आपकी एप्लीकेशन किसी कोर्ट में पेंडिंग हो, जब तक वो हाई कोर्ट एप्लीकेशन का फैसला नहीं करती, ट्रायल कोर्ट ऑर्डर नहीं पास करेगा। वो कोर्ट ने लिख लिया और हमारी उससे तसल्ली, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अब जब तक हाई कोर्ट फैसला ना करे, ट्रायल कोर्ट अपना ऑर्डर नहीं अनाउंस कर सकता। क्या हाई कोर्ट आज जो है वो फैसला कर देगी? देखिए, हाई कोर्ट ने ये तो कहा है कि हम फैसला करेंगे, लेकिन हमारा कहना ये है कि कल जो हमारे सामने, आप सब लोगों के सामने हाई कोर्ट में आर्गूमेंट्स हुए थे, वो हमारे मेरिट्स पे नहीं हुए थे। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर हुआ था वो किन नुकात पे गलत था। पहले लीगल ऑब्जर्वेशन भी हुआ था कि हाई कोर्ट ने एक मैटर को नीचे भेजा है, लिहाजा जज साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ किया है। ये आप बाकी एप्लीकेशन अलाउ करके नीचे भेजे, फिर इसमें सिर्फ इस बात को देखें क्या वही जज फैसला करे या कोई और जज, तो आज उस पर फैसला आना है। सेकंड, हमने जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि ये जो हम कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट ऑर्डर नहीं पास कर सकता, ये विदाउट प्रेजुडिस है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने हमारा हक दिफा जो गवाह आने थे वो ख़त्म किया हुआ, लिहाजा हमारी वो एप्लीकेशन के फैसला होगा तो फिर ही जाके नीचे ट्रायल होगा।